गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी। सो कारी वॉज एन एलिफेंट हु वॉज लिविंग विद द राइटर एंड राइटर वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम। वन डे द कारी सेव्ड दिस राइटर एंड अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द रिवर। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर आफ्टर दैट। कारी वॉज लाइक अ बेबी। He had to be trained to be a good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. So, जो कारी है वो एक बच्चे की तरह था, obviously वो एक बच्चा ही था, हाथी का ही सही, और उसे अच्छे से ट्रेन करना पड़ता था, और अगर आप उसे ना बताओ कि वो कब शरारत कर रहा है, तो वो अपनी शरारतें बढ़ा देता था. For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for the रिप बनाना। सो ये देखने के लिए हम बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं कि जो एक बार किसी ने कारी को बनाना दिया खाने के लिए, तो जो कारी है उसे पके हुए केले खाने की आदत हो गई, मतलब उसे बहुत अच्छे लगने लग गए। वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन डाइनिंग रूम। One day, all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. So, जो राइटर है उसके घर वालों को आदत थी कि वो एक प्लेट में बहुत सारे फ्रूट्स रखते थे और वो विंडो के पास रखते थे, मतलब डाइनिंग रूम में विंडो के पास वो फ्रूट टेबल फ्रूट प्लेट रखते थे, और एक दिन उस प्लेट में से सारे बनानास गायब हो गए, और जो फैमिली थी उन्होंने किस पे ब्लेम किया, जो वहाँ का नौकर था उस पर ब्लेम किया कि तुम सारे बनानास खा गए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और कई दिनों बाद फिर से वहाँ से फ्रूट्स गायब थे, और इस बार ब्लेम किस पे आया, राइटर पे आया, और राइटर को पता था ये मैंने नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। और जो राइटर है उसे अपने पेरेंट्स और सर्वेंट पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें उसे लगा कि उनमें से किसी ने ये किया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। और जब नेक्स्ट टाइम फ्रूट गायब हुए, तो राइटर ने देखा कि एक बनाना जो कारी का जो घर है, कारी जहाँ रहता है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, पूरी तरह से स्मैश हुआ पड़ा, पूरी तरह से मतलब पिसा हुआ सा। This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. So, ये देख के वो काफ़ी सरप्राइज हो गया राइटर, क्योंकि उसने कभी भी कारी के घर के आसपास फ्रूट्स नहीं देखे थे, क्योंकि वो तो ज़्यादातर क्या खाता था, झाड़ियाँ खाता रहता था, या लकड़ियाँ या टहनियाँ हम कह सकते हैं। Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. So, एक दिन जो राइटर है वो बैठा सोच रहा था डाइनिंग रूम में कि क्या मैं थोड़ा फ्रूट खा लूँ टेबल में से अपने मतलब बिना परमिशन के, तभी एक लंबी काली सी सांप जैसी चीज़ विंडो में से आई और वो सारे बनाना उसमें से उठाकर ले गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनाना एंड आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नेक डैट वुड स्नीक इन एंड टेक फॉर फ्रूट। तो जो राइटर है वो काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा सांप नहीं देखा था जो बनानास खाता हो। आई crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. So, जो राइटर है वो डर गया और अपने घर से बाहर की तरफ भागा, क्योंकि उससे लग रहा था जो सांप है वो वापस आएगा और वो बाकी फ्रूट खा जाएगा और हम सबको मार डालेगा। All As I went out, I saw Cory's bag disappearing in the direction of pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. So, जैसे वो घर से बाहर निकला, तो उसने देखा जो कारी है वो अपने पवेलियन की तरफ जा रहा है, और जो राइटर है वो इतना डरा हुआ था कि उसने सोचा कि मैं कारी के साथ रह लेता हूँ, अगर कारी साथ में रहेगा तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। I ran after him into the pavilion and found him there eating bananas.
जो राइटर है वो कारी के साथ उसके पवेलियन, उसके रहने वाली जगह पे पहुंचा और उसने देखा कि वो वहाँ पे बैठ के बनाना खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, द बनानाज वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम। तो जो राइटर है वो हैरान हो गया क्योंकि जो बनानास थे वो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फो आर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। उसने अपनी सूंड को लंबा खींचा और जो एक बनाना जो उसे काफ़ी दूर पड़ा था उसे पकड़ने के लिए। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ। तो उसी वक्त जो राइटर है उससे पता लगा कि जो ट्रंक है वो बिल्कुल उस सांप जैसी दिख रही है और उन्हें पता लग गया कि कारी ही चोर था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय ईयर्स एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दिस मैनी वीक्स। वो उसके कान पकड़ के अपने पेरेंट्स के पास लेके गया और उसने बताया कि कारी था जो फ्रूट्स चुरा रहा था और खा रहा था, वो राइटर नहीं था। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। सो जो राइटर है उसने हाथी को, मतलब जो कारी है उसे काफ़ी डांटा, मतलब ऐसे वर्ड्स में जो सिर्फ एलिफेंट और बच्चों को ही समझ आती हैं, और फिर उसे कहा कि अगर मैंने नेक्स्ट टाइम तुम्हें फ्रूट्स चुराते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें बहुत पिटूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट, और उसे पता था कि हम सभी उससे गुस्सा हैं, नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसकी प्राइड है जो उसका अपने ऊपर कहते हैं कि जो घमंड है, वो इतना इंजर्ड हुआ, इतना ज़्यादा चोटिल हुई है कि उसने फिर कभी डाइनिंग रूम से कुछ नहीं चुराया। एंड फॉर देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ टू थैंक हिम। सो जब भी उसे कोई फ्रूट देता था तो वो उसे झुक के थैंक यू बोलता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। तो जो एलिफेंट है वो अपनी पनिशमेंट आराम से ले लेता है अगर वो गलत हो तो, पर अगर आप बिना मतलब के उसे पनिश करोगे तो वो उसे याद रखेगा और एक दिन तुम्हें वापस लौटाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ चैप्टर। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।